सो गाइस बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है पृथ्वी शॉ एंड सूर्य कुमार यादव के रिगार्डिंग। जैसा मैं अपने लास्ट वीडियोस में आपको बताता आया हूँ कि दोस्तों इन दोनों प्लेयर्स की जो रिपोर्ट है कोविड की रिपोर्ट वो ऑलरेडी नेगेटिव आ चुके हैं। और दोस्तों लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे ये है कि जो बैक टू बैक इनके जो कोविड टेस्ट हुए सारे ही रिपोर्ट्स इनके नेगेटिव आए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है टीम इंडिया के लिए और इंडियन फैंस के लिए। अब दोस्तों ऐसे में हम बात कर ले कि कब हमें ये ट्रैवल करते हुए नज़र आ सकते हैं यूके टू ज्वाइन द टेस्ट टीम फॉर इंग्लैंड सीरीज। तो दोस्तों ऐसे में ये अपडेट निकल के आई है कि इनका क्वारंटीन पीरियड जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है और दोस्तों ऐसे में ये बहुत जल्द जो है यूके के लिए ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। बट गाइज एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है ये तो अभी सामने निकल के नहीं आई है, बट ये फैंस को खुश कर देगी कि बहुत जल्द हम पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को यूके जाते हुए देखेंगे। हालांकि दोस्तों इसके बाद ये भी चीज़ सामने निकल के आई है कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ जो इनका क्वारंटीन पीरियड है उसे कम कर दो, बट दोस्तों ईसीबी इस चीज़ पर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि स्टिल इन प्लेयर्स को जाके वहाँ पर भी क्वारंटीन होना पड़ेगा। बट गाइज मैं स्टिल ये रिपीट करना चाहता हूँ कि थर्ड टेस्ट मैच ही दोनों ही प्लेयर्स जो है टीम इंडिया के लिए अवेलेबल हो जाएंगे।